गाजीपुर से आदित्य कुमार, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य की विकास खंड मनिहारी में बैठक के दौरान हुई झड़प, प्रशासन ने किया बीच बचाव। गाजीपुर का एक ऐसा ब्लॉक जो हमेशा विवादों में रहता है और यह गाजीपुर का सबसे पिछड़ा हुआ विकासखंड है। यह अपने कार्यों के लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य की वार्षिक बैठक बुलाई गई थी। बैठक का समय दोपहर 1 बजे था। धीरे धीरे सभी क्षेत्र के प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य इकट्ठा हो रहे थे। उसी दौरान दो पक्षों में झड़प हो गई। प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष राकेश कुमार उर्फ अंशु सिंह ने बताया कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख जबरन प्रमुख की कुर्सी पर बैठ रहे थे, जिसका हम सभी ने विरोध किया और कहा कि क्षेत्र पंचायत है, अपनी कुर्सी पर बैठिए, लेकिन यह उन्हें नागवार लगी और वह मुझे गाली गलौज देने लगे। इसी बीच दोनों के समर्थकों में जमकर झड़प हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों के द्वारा मामले को शांत कराया गया। हंगामा को बढ़ते देखते हुए सीओ सिटी गौरव कुमार सिंह, शिव शेखर सिंह सहित शादियाबाद, बुल्लापुर, भुरकुडा एवं जंगीपुर कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और बाहर से आए हुए लोगों को खदेड़ कर बाहर कर दिए। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बैठक का प्रमुख उद्देश्य था कि मनिहारी वर्तमान प्रमुख मुन्नीलाल के 1 वर्ष के कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने को कहा गया, जिस पर ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और वह पूरी तरह से तनावपूर्ण की स्थिति में दिखाई दे रहे थे। जब पत्रकारों ने उनसे वार्ता किया कि आपके कितने क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, तो यह भी बताने से इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी भी बात की जानकारी नहीं है, वह एक मूक दर्शक बनकर भीड़ का हिस्सा बने हुए थे। जब इसके संबंध में पूर्व ब्लॉक प्रमुख योगेंद्र सिंह से पत्रकारों ने वार्ता किया कि आप पर यह आरोप लग रहे हैं कि आपके द्वारा ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य को गाली गलौज देने का आरोप लग रहा है और किस कारण से झड़प हुई है, तो उन्होंने बताया कि कुछ अराजक तत्व है जो मेरे राजनीतिक छवि को खराब करना चाहते हैं, मेरे बढ़ते हुए वर्चस्व को खत्म करना चाहते हैं। मौजूद है हम विकास खंड मनिहारी में, एक ऐसा ब्लॉक जो हमेशा विवादों में रहता है कि अपने कार्यों को लेकर के, और आए दिन कोई न कोई एक नया मुद्दा इसमें देखने को मिलता है। और इसी ब्लॉक का एक ताजा मामला ये है कि आज ब्लॉक संगठन और क्षेत्र पंचायत संगठन का यहाँ पे एक बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में देखा गया कि जो पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर अपना कब्जा कर रहे थे। हालांकि जो ग्राम प्रधान के संघ के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने मना किया कि ये जो कुर्सी है यहाँ पे जो वीडियो है और संबंधित जो अधिकारी है इसमें अपना बैठेंगे, और जो वर्तमान में जो ब्लॉक प्रमुख है वो उससे ये बैठेंगे। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो प्रतिनिधि है और छीड़ी से वो जो बीडीसी क्षेत्र पंचायत है वो बैठना चाहे, लेकिन यहाँ पे जो ग्राम प्रधान है उन्होंने मना किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुझे गाली गलौज भी उन्होंने दिया और काफी झड़प भी हुई। लेकिन मौके पे कई थानों की फोर्स यहाँ मौजूद रही, जिसको लेकर के बीच बचाव किया गया और झड़प को हटाया गया। जब दोनों पक्षों की राय इसमें देखा गया, जान ने बताया कि अपनी अपनी बात को रखा। आखिर ये देखा जाए कि ये वीडियो साक्षी रूप में मौजूद है, किनके द्वारा क्या कुछ कही सुनी हुई है, क्या कुछ उसमें विवाद रहा है, काफी वीडियो साक्ष सामने आएगा। आप देखते हैं कि जो जिला प्रशासन है इस वीडियो के आधार पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। और जो वीडियो यहाँ पे जो देखा जाए तो जो वीडियो जो है वो एक मुख्य जो है साबित हो रहा है कि यहाँ पे एक बहुत ही प्रूफ के रूप में उसमें देखा जाए तो है। लेकिन एक बात और देखा जाए तो यहाँ पे जो बैठक हुई है और यहाँ प्रधान है और जो क्षेत्र पंचायत सदस्य है, काफी इस बैठक में से नाराजगी है और कहने के ये आरोप भी लगाए हैं जो पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, काफी गाली गलौज देते हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, कर्मचारी हो, ये बहुत सारे लोग दबी दबी जुबान में या कुछ लोग खुल के भी यहाँ पे आए हैं। ये काफी ये जो पूर्व में जो ब्लॉक प्रमुख रहे हैं गाली गलौज करते हैं। आप देख रहे हैं अल्पाय एक्सप्रेस आदित्य कुमार के साथ। मीटिंग में जैसे 2022-2023 का कार्ययोजना बनता है, उसमें क्षेत्र पंचायत और प्रधान भैया आते हैं 2023-2024 निर्णय यही हुआ कि क्षेत्र पंचायत जितने थे उसमें कुछ लोग क्षेत्र पंचायत दो चार पांच को छोड़कर कुछ संख्या में क्षेत्र पंचायत थे, जिसमें उनका कहना ये था कि जो अगले साल का कार्य जो भी बना था उसमें कहाँ कहाँ पर उनसे पूछा गया ये बताइए कहाँ कहाँ काम किया गया, कितना कितना का भुगतान हुआ, किसको किसको दिया गया। तो प्रमुख जी बताए कि मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरी तबीयत खराब है और मैं अस्वस्थ। स्वस्थ होने के बाद कुछ उन्होंने बताया? नहीं, स्वस्थ थे ही नहीं कुछ बताए। अब तक अस्वस्थ चल रहे हैं, अब पता नहीं बता भी नहीं रहे कि कब से मेरा तबीयत खराब है, बोल रहे तबीयत। अगली मीटिंग कब तय की? अगली मीटिंग अब ये होगा, जैसे प्रमुख जी की तबीयत सही हो जाएगी।
प्रमुख कौन है? प्रमुख यहाँ कौन है? प्रमुख की योजनाओं की समीक्षा होती है जो जांच जिसे पूरा बार जानता है उसी को लेकर तनाव होगा। इसमें क्या उसके लिए हम लोग से तनाव उसके लिए हमको जानकारी है अधिकारियों प्रमुख जी थे वो जो वर्तमान प्रमुख जी हमने उच्च अधिकारी इंस्पेक्टर साहब से मैंने कहा BDO साहब से मैंने कहा कैसा है क्षेत्र पंचायत का अलग है और प्रधान अलग है अलग अलग दोनों बैठेंगे जो भी प्रतिनिधि है प्रतिनिधि ब्लॉक में नहीं आएंगे जो भी मीटिंग होगा केवल जो क्या नाम है जो जो जनप्रतिनिधि है वही आएंगे तो हुआ कि ठीक है तो हमने कहा इस पूर्ति के प्रमुख जी बैठेंगे और जो भी BDO हैं और ब्लॉक के कर्मचारीगण हैं इंस्पेक्टर महोदय हैं जो भी उच्च अधिकारी हैं लोग आगे बैठेंगे और प्रधान और क्षेत्र पंचायत अलग बैठेंगे। तो आए प्रमुख जी तो उप प्रमुख अरे पूर्व प्रमुख जी जो आए तो क्षेत्र पंचायत छिड़ी से इस समय क्षेत्र पंचायत है तो हमने वो आए तो कुर्सी पर बैठने लगे तो मैंने कहा इस कुर्सी पर आपका बैठने का अधिकार नहीं है जो प्रमुख लाए वर्तमान प्रमुख वो कुर्सी पर बैठेंगे आप प्रमुख जी अरे क्षेत्र पंचायत जी आप इस कुर्सी पर बैठे क्षेत्र पंचायत जी आप बैठे हैं हम लोग भी बगल में बैठेंगे हम भी प्रधान से अध्यक्ष मनियादी ब्लॉक तो हमने कहा हम भी नीचे बैठेंगे आप भी कुर्सी लेके बैठिएगा कोई दिक्कत नहीं तो हमको कहे भोसड़ी वाला बोलवे तू बैठेंगे हमने कहा गाली क्यों दे रहे हैं गाली गलो देने लगे गाली देने के बाद हम भी मतलब बोले कि नहीं गाली मत दीजिए इसके भी मान लीजिए हमारे प्रशासन लोग आ गए उनके दो चार थे लघु बजू जो है आगे खींचने उतरे हमारे बाबू प्रधान जी का कारण अनुरोध हम लिए सर आरोप लगा रहे हैं पूर्व प्रमुख द्वारा आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि अराजकता के द्वारा धक्का मुक्त किया गया नहीं अब तो सभी देखते थे कि कौन धक्का मुक्का है वीडियो बनेंगे तो खुद पता चल जाएगा कि कौन धक्का मुक्का किया था भाई आप क्षेत्र पंचायत हो तो क्षेत्र पंचायत की कुर्सी पे बैठेंगे ना यही बात हुआ। मैं योगेंद्र कुमार सिंह हरियाणा क्षेत्र पंचायत सदस्य छिड़ी। योगेंद्र जी आप यहाँ वर्तमान जो प्रमुख उनके प्रतिनिधि हैं जी क्या कारण है काफी देर तक भगदड़ हुई? अब चूंकि निर्धारित समय से ये क्या कलर है 15 तारीख को 1 बजे क्षेत्र पंचायत की बैठक थी कुछ अराजकता तो पहले से ही क्षेत्र पंचायत को रोकना चाहते थे कि बैठक ना हो विपक्ष के लोग हैं कुछ अराजक तत्व हैं जो क्षेत्र पंचायत की बैठक को रोकना चाहते थे हमारे प्रमुख जी शरीफ हैं इसलिए कहीं दबाव बना के इस तरह का प्रेशर बना रहे हैं कि क्षेत्र पंचायत में भगदड़ मचाया जा डिस्टर्ब किया जा इस ब्लॉक से उसीली की जाए इस तरह के अच्छा अवांछनीय तत्व हैं जो इस तरह का बवाल कर रहे हैं। प्रधान प्रतिनिधि भी आपसे नाराज है क्या कारण? प्रधान प्रतिनिधि का नाराज होने का कोई कारण नहीं है जो ऐसे एक आध दो क्षेत्र पंचायत ये प्रधान है कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ ऐसा है कि जो उसके वजह से नाराज है जैसे अब हंसराजपुर के प्रधान जी हैं ये कुछ क्षेत्र पंचायत से काम बरामद कर रहे थे वो गलत तरीके का काम था उसमें वो काम सही नहीं था उसका क्षेत्र पंचायत से वो कार्योजना को उस काम को डिलीट करा दिया जाए उसमें 7 लाख का मोस्टोल निकला था उसमें 7 लाख का मोस्टोल पेमेंट करने लायक नहीं था इसलिए उसको डिलीट BDO साहब ने कर दिया तो वो नाराज थे कि ये चाहते तो पेमेंट हो जाता था ये कैसे हो सकता कुछ ना कुछ करप्शन के कारण ये स्थितियां बनी हुई है। करप्शन क्षेत्र पंचायत से तो 70-72 लाख का काम हुआ क्षेत्र पंचायत में 109 BDC है 70-72 लाख का काम हुआ मनरेगा से 12 करोड़ 66 लाख रुपए का किया 13 करोड़ के आसपास प्रधानों ने काम कराया है। सुनने में अभी आया कि अभी सब धक्का मुक्की हुई कहाँ सही धक्का मुक्की तो कुछ अवांछनीय तत्व है आप बिना मतलब का बवाल कर रहे हैं चूंकि क्षेत्र पंचायत सदस्य मैं भी हूँ तो क्षेत्र पंचायत सदस्य तो कहीं ना कहीं क्षेत्र पंचायत की बैठक में तो अपने सदन में बैठेगा ही ऐसे कैसे हो सकता है कि हम ना बैठे किसी दो चार लोगों के कहने से जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उन्हें क्षेत्र पंचायत है ना प्रधान है कुछ है भी नहीं। योगेंद्र जी आपके पूर्व कार्यकाल और इस कार्यकाल की समीक्षा हुई थी क्या सच्चाई उसमें? अब कुछ लोगों के शिकायत पे जो राजनीतिक कद जब आदमी का बढ़ता है पहले मैं ये प्रमुख संघ का अध्यक्ष था इस समय प्रमुख संघ का मैं संरक्षक हूँ BJP का नेता हूँ कहीं ना कहीं राजनीतिक कद को बढ़ते हुए देख के कुछ लोग मेरे पीछे पड़े और मेरे कार्यकाल का और माननीय इस समय जो मुनिलाल जी प्रमुख हैं इनके कार्यकाल दोनों कार्यकालों का जांच कराया जांच में अभी तक तो मुझे जो सूचना उसमें क्लीन चिट है कि हम प्रमुख को कहीं कुछ नहीं है। साल में कितनी मीटिंग होती है? अब साल में कम से कम 2-3 मीटिंग 3-4 मीटिंग जितने मीटिंग हो सकती है जब समय जरूरत पड़ती है जिस समय जरूरत पड़ती है उस समय मीटिंग होती है। अगली मीटिंग कब होगी?
और मीटिंग अब या मार्च के समय हो सकती है या तो मार्च के बाद अप्रैल में होगी। धन्यवाद। कुछ सवाल किए गए इसमें आपके दल में कितने क्षेत्र पंचायत आते हैं, इसमें कोई जवाब नहीं है। हो सकता है कि प्रमुख जी उस चीज को गिनती कर पाए हो, कुल यहाँ पर 107 सदस्य हैं, दो सदस्यों की डेथ हो गई है तो इसलिए दो पर एक त्याग पत्र दे दिए हैं, एक की मृत हो गई है, कुल तो 109 सदस्य है। अपने प्लान के योजनाओं का जानकारी नहीं है अभी तो प्रमुख जी को हम लोग जानकारी देंगे, अगर नहीं जानकारी है तो और इनको कहेंगे कि हमने अपना शासन की जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी प्राप्त करते रहे मेरे माध्यम से भी जानकारी इनका सिग्नेचर भी होता है, इनका सोशल भी लगता है और इनके संज्ञान में इसका है जानकारी जा सकता है इसके बाद जोगिंदर भैया ने भी बात बहुत अच्छी कही कि प्रधान क्षेत्र पंचायत हम ब्लॉक पे चुन के आते हैं, हमें विकास करना चाहिए। यह बात 100% आप हमसे बड़े हैं, बड़े पद पर आसीन रह चुके हैं, यह बात आपको लागू करनी चाहिए। हमारे प्रधान गांव से चुन के आता है, साथ ही क्षेत्र पंचायत भी चुन के आता है, उसकी भी जिम्मेवारी होती है विकास। क्षमा चाहेंगे, क्षेत्र पंचायत को जोड़ करके बात कर रहे हैं, अगर किसी को बुरा लगेगा तो बोल सकता है नहीं जोड़ेंगे। तो विकास होना चाहिए, कुछ काम वो करेगा, एक गांव से दूसरे गांव से जोड़ने का काम करेगा, वो नया होता है। बहुत से प्रधान दो बार आते हैं, तीन बार आते हैं, बहुत से कम ऐसे बीडीसी रहते हैं जो दोबारा आते हैं।